पॉशा के मैन नाइनटीन में लॉन्च हुई थी और ये टू का सेकेंड जनरेशन फेस लिफ्ट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में आती थी रेंज शुरू होती थी एक्शो रूम सेवेंटी फाइव लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत थी वन करोड़ एटीन लाख रुपीज़ ये के मैन एस आप देख रहे हैं जिसकी कीमत थी वन करोड़ रुपीज़ टू में पॉशा ने इसे इस डिसकन्टीन्यू कर दिया था और आज इसका फोर्थ जनरेशन मॉडल आता है जिसकी कीमत शुरू होती है एटी लाख रुपीज़ से इसके कन्वर्टेबल मॉडल का नाम बॉक्स्टर है नाइन एटी सेवन सी कोड ने मेज जनरेशन के मैन का के मैन एलीगेटर से लिया गया है इस कार का नाम ये टू थाउजेंड सिक्स की वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार भी रही है जे डी पावर ने भी टू थाउजेंड सिक्स और टू थाउजेंड सेवन हाइस्ट रैंक कॉम्पैक्ट प्रीमियम स्पोर्टी कार अवार्ड भी दिया था के मैन को फेमस कार डिज़ाइनर पिंकी लाए ने डिज़ाइन की है ये के मैन जिन्होंने नाइनटीन नाइनटी सेवन पोशन नाइन एलेवन और नाइनटीन नाइन्टी बी एम डब्ल्यू थ्री सीरीज़ भी डिज़ाइन की थी आगे 44% परसेंट और पीछे 56% परसेंट वेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है के में एस का फुल फॉर्म है स्पोर्ट या स्पेशल ये स्टैंडर्ड के का हाई परफॉर्मेंस वर्जन है इसकी जर्मनी और फिनलैंड में असम्बली होती थी और ये फॉग लैम्प रेडिएटर ग्रिल और यह है बाइजन ऑन हेडलाइट डायनामिक लेवलिंग और वॉशर के साथ साइड इंडिकेटर ऑप्शनल स्ट्राइप्स हैं पॉर्शा का लोगो वाइपर्स रियर व्हील ड्राइव है के एम एन एस फोर पॉइंट थ्री मीटर लेंथ है वन पॉइंट थ्री मीटर हाइट है इलेवन पॉइंट वन मीटर टर्निंग सर्कल डायमीटर है और फोर्टीन हंड्रेड के जी कर्ब वेट है एटी फाइव परसेंट रिसाइकलेबल है केमन पूरे इंजन फेलियर के भी हाथ से हुए हैं इस जनरेशन केमन के साथ जिस वजह से पोर्शा पर केस भी हुआ था और ये हैं एटीन इंच का लॉय व्हील जो कैरेरा जीटी जी से लिए गए हैं नाइनटीन इंच के लॉयस का भी ऑप्शन आता था आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे कार्बन सेरामिक ब्रेक्स का भी ऑप्शन था रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं इनटेक्स हैं इंजन एयर फ्लो के लिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड रियर स्पॉयलर है कई अवार्ड्स भी जीते थे केमेन ने जैसे बेस्ट स्पोर्टिंग कार कारन बेस्ट कार्स बेस्ट ड्राइवर्स कार कार ऑफ द ईयर अवार्ड और एडिटर्स बेस्ट कार आगे कॉल स्प्रिंग्स और नेगेटिव स्टीयरिंग रोल रेडियस के साथ इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे टो एंगल कंट्रोल के साथ इंडिपेंडेंट मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे आगे पीछे एल्यूमिनियम कंट्रोल आर्म्स और स्टेबलाइजर बार भी मिलेंगे स्पेशली ट्यून्ड एग्जॉस्ट सिस्टम है okay, बैजिंग और ये ऑप्शनल रियर वाइपर स्टॉप लैंप और ये टेल लाइट इस केमेन के कई लिमिटेड एडिशंस भी बनाए गए थे जैसे पॉस्टर डिज़ाइन एडिशन वन केमेन एस स्पोर्ट के एन आर और के एन एस ब्लैक एडिशन कई मोटर स्पोर्ट इवेंट्स में भी विनर रही है केमेन, जैसे जी टी वर्ल्ड चैलेंज ट्वेंटी फोर आवर्स डेटोना मिशलिन पायलट चैलेंज जी टी फोर यूरोपियन सीरीज़ और बाथरस ट्वेल्व आर रेसिंग सेफ्टी के अंदर चार एयरबैग्स ऑटोमेटिक ब्रेक डिफरेंशियल बॉश ए बी एस और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल सेफ्टी के अंदर पोर्शा स्टेबिलिटी मैनेजमेंट पी आगे पीछे डिफॉर्मेशन जोन्स एंटी स्लिप रेगुलेशन रोल ओवर प्रोटेक्शन लेथ चाइल्ड सीट माउंटिंग साइड गार्ड डोर बीम्स सप्लीमेंटल सेफ्टी बार्स एक्सटीरियर इंटीरियर अलार्म सिस्टम सेंट्रल लॉकिंग एंटी थेफ्ट सिस्टम इमोबिलाइजर और सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर्स के साथ मिलेंगी और की से ही ओपन हो जाएगा बूट तो यहां आपको मिलेगी टू सिक्सटी लीटर की बूट स्पेस ये ओपन नहीं होता है स्पीकर्स हैं आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं थर्टीन स्पीकर्स का बोस डिजिटल साउंड साउंड सिस्टम मिलेगा के में, में। वन टच अप डाउन पावर विंडोज हैं एंटी जैम फीचर के साथ और ये ओ आर एम के कंट्रोल्स बोस के स्पीकर्स हैं नीचे लाइट है यहाँ पर भी स्पेस दी गई है के एम की स्कफ़ प्लेट बूट और बोनेट खोलने के लीवर और, और, और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन कुछ और इन्फॉर्मेशन और ये है लेदर अपॉल्सट्री में मैनुअली एडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का भी ऑप्शन आता था, था। पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक स्टेरिंग है स्पोर्टी पेडल्स और ये लाइट के कंट्रोल्स सीट के पीछे भी पॉकेट दी गई है काफी स्पेस है लाइट है यहाँ पर भी स्पेस दी गई है हिडन कार ऑन कर लेते हैं हमारे इसके अंदर काफ़ी स्पेस है ट्वेल्व वोल्ट का पोर्ट है मैनुअल हैंड ब्रेक और ये टेक्ट्रॉनिक एस डुअल मोड फाइव स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फाइव स्पीड मैनुअल सिक्स स्पीड मैनुअल और सेवन स्पीड पीडी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आता था और ये स्पॉइलर का कंट्रोल और ये पॉशा स्टेबिलिटी मैनेजमेंट पी ऑफ करने का बटन और ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ए इको मोड का भी बटन है और ये है पॉशा सी डी आर ट्वेंटी फोर ऑडियो सिस्टम सपोर्ट करेगा एफ एम रेडियो होम लिंक और सी डी डिजिटल फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आता था एफ एम बेस ट्रेबल कार लॉक करने का बटन ए सी और ये डैशबोर्ड के फिनिश स्पीकर और यहाँ दो ग्लास होल्डर्स हैं पॉश स्टाइल लॉकेबल ग्लो बॉक्स है और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ रियर व्यू मिरर रीडिंग लाइट और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दो लाइट्स के साथ और ये है लेदर रैब्ड थ्री स्पोक वेरिएबल रेशियो रैक एंड पिनियन स्टेयरिंग ये टेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के बटन्स वाइपर के कंट्रोल्स लाइट के कंट्रोल्स और ये क्रूज कंट्रोल स्टेरिंग एडजस्टमेंट और ये है थ्री पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड आरपीएम, पी एम टेम्परेचर फ्यूल लेवल गेयर शिफ्ट इंडिकेटर टाइम आउटसाइड टेम्परेचर और कई इंफॉर्मेशन ऑयल मेजर, स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आइए बोनेट खोल कर देखते हैं तो यहां आपको मिलेगी 140 लीटर की लगेज स्पेस काफी स्पेस है आगे लाइट है तो कैसी लगी आपको पौषक एम हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू